इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की हम स्टडी कर रहे हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में एक ही मॉलिक्यूल में एडिशन होगा, जैसे CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, CH2, सी डबल ओ, CH3। अब ये पाई बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव तो ये कार्बन होगा पॉजिटिव। अल्फा कार्बन इस कंपाउंड में सेकंड साइड दो है, एक ये भी अल्फा है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, तो फोर मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगी, एक नंबर और चार नंबर का कार्बन रिंग फॉर्मेशन करेगा। फोर मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, इसलिए हमको ये अल्फा कार्बन कंसीडर करना पड़ेगा, जो आपको देगा सिक्स मेंबर्ड रिंग, जो कैसी होती है, स्टेबल। देखते हैं क्या बनता है। ये पहला मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल, ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे CH2, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH3। अब ये CH3 जो है, इसका हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, क्योंकि हमने इसको अल्फा कार्बन कंसीडर किया है स्टेबल प्रोडक्ट के लिए। चलिए, ये अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर जाएगा, लेकिन बाद वाली उधर वाली, ये कार्बन बन जाएगा नेगेटिव, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बन करके इस पॉजिटिव कार्बन पर। तो इसमें क्या आएगा आपको, CH3COH, ये आ गया हाइड्रोजन, ये यहाँ पर CH2, ये CH2, ये थर्ड CH2, यहाँ पर रहेगा C00, और ये टर्मिनल हो गया CH2- का। और इस माइनस और पॉजिटिव के बीच में एडिशन हो जाएगा, सिक्स मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप तो केवल छह मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन कर लीजिए। इसको एक नंबर कंसीडर करिए, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, ये हुआ पांच, और ये कार्बन हो गया टोटल छह। एक नंबर पर OH लगा हुआ है, एक नंबर पर टर्मिनल CH3 बना दीजिए, पांच नंबर पर कीटो ग्रुप बैठा। अब रिंग फॉर्मेशन जब हुआ, तो अब इसमें से इलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड आएगा कहीं ना कहीं। तो आपको ये पता है कि उस कार्बन से हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है जो OH ग्रुप और कीटो ग्रुप के बीच में है। तो आपकी समस्या ये है कि हम कौन सा हाइड्रोजन गायब करें, एक नंबर दो नंबर के बीच का हाइड्रोजन गायब करें क्या? नहीं, एक नंबर और छह नंबर के बीच का हाइड्रोजन गायब आपको करना है। क्यों? कि ये रूल है, जिस कार्बन से पहले हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था उसी कार्बन का हाइड्रोजन फिर जाएगा। ये देखिए, ये छह नंबर का कार्बन था, इसी से पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया था, इसी से हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ। तो देखिए क्या प्रोडक्ट होगा लास्ट, ये पांच नंबर पे कीटो, एक नंबर का जो अल्कोहल है वो चला जाएगा, केवल यहाँ बचेगा CH3, और ये छह नंबर का कार्बन था उसी पर से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा जहां मैंने अटैच किया, ये इसका प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में वही स्टेबल प्रोडक्ट होगा रिंग फॉर्मेशन के बाद, जिसमें सिक्स और फाइव मेंबर रिंग
प्रेजेंट 4, 7, 8 आर एनी अदर नंबर की रेंज अनस्टेबल हो। इसके बाद एक एग्जांपल और समझेंगे, पहले इसको नोट करिए। आज मैं क्या करना है सुनिए जरा, नया कंपाउंड लेते हैं, नई कहानी सुनेंगे। ये अपना फोटो बंद कर लीजिए, कौन है CH3 CH2 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 4, 5, 6, 7। अब यहां COO लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यस ये एग्जांपल लिया भाई। अब इस एग्जांपल में आप ये ढूंढिए कि अल्फा कार्बन किसको कंसीडर करें। सबसे पहली बात ये है, ये तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। अब अल्फा कार्बन दो है इसके कंपैरिजन में, एक ये और एक ये, तो हम क्या करें पहले रिंग फॉर्मेशन का कंसेप्ट समझे, कौन सी रिंग स्टेबल होगी वो अल्फा कार्बन ले जाएंगे। देखिए ये एक नंबर, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। अगर इसको हम यहां से ले जाएं एक नंबर पर तो पांच कार्बन की रिंग फॉर्मेशन होगी जो स्टेबल होगी, ठीक है। और ये कौन से नंबर का, 6 नंबर का, ये 7। इस कार्बन का अल्फा कार्बन ले जाएं इधर तो फिर कितने मेंबर रिंग बनेगी, 7, जो कैसी होगी अनस्टेबल। तो आपको कौन से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है, इससे कर दीजिए। समझ में आ गई बात श्रावणी, समझ में आ गई? हाँ। तो ये कौन से कार्बन से ले जाएं, 5 नंबर के कार्बन का अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, टर्मिनल वाला नहीं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3COH आ गया हाइड्रोजन, ये कार्बन पॉजिटिव हो चुका है, रिंग फॉर्मेशन करेंगे आप CH2 CH2 CH2, ये CH COOCH3, इसका हाइड्रोजन यहां से मैंने यहां शिफ्ट किया है, ये हो गया नेगेटिव। अब ये कार्बन नेगेटिव बना तो ये रिंग फॉर्मेशन में आ जाएगा, यहां देखिए रिंग फॉर्मेशन हो गया। आर्यन पाटिल आवाज आ रही है? यस सर। चलिए बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, पर डाउट से अभी नहीं। अभी ये समझिए, आप रिंग फॉर्मेशन करेंगे डायरेक्ट, ये 5 नंबर का कार्बन इस 1 नंबर के कार्बन पर अटैक करेगा, 7 नंबर वाले कार्बन का अल्फा कार्बन नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। तो कितने कार्बन की रिंग बना दूं, जितने की फॉर्मेशन होना है 5 की बनेगी, ये बना दी 5 कार्बन। इसको मैं कंसीडर करूंगा 1 नंबर, इसको 2, किसी को भी कहीं कर लीजिए 3, 4, ये 5, 1 और 5 का रिंग फॉर्मेशन होगा। अब ये देखें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे कार्बन है। तो 6 और 7 तो बाहर है ना, लेकिन वो है 5 पर, तो ऐसे बनेगा COOCH3, ये बाहर बनेगा, आउटसाइड बन गया। 1 नंबर पे भी CH3 आउटसाइड, ये बन गया ये वाला। अब 1 नंबर पे OH को बना दीजिए, ये बना दिया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इलिमिनेशन होगा,
तो वाटर जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में, ऐसा होता है, OH यहां से जाता है, और जिससे पहले हाइड्रोजन आया 5 नंबर के कार्बन से, उस पर एक हाइड्रोजन अभी और है, वो चला जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही है 5 नंबर का, ये 5 नंबर, इस पे लगा है C double OCH3, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां कुछ नहीं है, यहां पर कौन है, CH3, ये इसका लास्ट प्रोडक्ट। नोट करिए, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का कंसेप्ट, आपको समझाया, कहानी हुई।